अफगानिस्तान के मेवोद एजुकेशनल एकेडमी में आत्मघाती हमला हुआ, इसमें 48 की मौत हो गई, जबकि 67 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। धमाके से कई क्लासरूम की छत भी ढह गई। ये एकेडमी काबुल पीढ़ी 18 के दस्त ए बारची इलाके में स्थित है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में तालिबान का हाथ होने से साफ इनकार किया है। फिलहाल किसी अन्य आतंकी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के वक्त एकेडमी में करीब 100 बच्चे थे, वह सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। शहर के शिया क्लर्कियल काउंसिल के सदस्य जावेद घौरी ने हमले के लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवेंट को जिम्मेदार ठहराया है।